हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है उसका ये आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। sec रेस टू 4a माइनस 10 sec रेस टू sec स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाद में आप बताना कमेंट में कैसा आपको वीडियो लगा उसके बारे में, बट रिव्यू देना भूलना नहीं। ना यहाँ पे इसका स्टार्ट करते हैं। तो sec रेस टू 4a माइनस sec स्क्वायर a, ओके, तो यहाँ पे से आप sec कॉमन निकाल सकते हो। sec स्क्वायर a कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर a माइनस 1, ओके। sec स्क्वायर a माइनस 1 यानी कि क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मूला ऐसा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, क्या है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ओके। और यहाँ पे से प्लस 1 सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। तो हो गया sec स्क्वायर a माइनस 1 यानी कि क्या है, टेन स्क्वायर a। तो टेन स्क्वायर a इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर a। और टेन स्क्वायर a इंटू टेन स्क्वायर a करोगे तो क्या मिलेगा, टेन रेस टू 4a, ओके। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर सी, ओके, जो सिर्फ आगे पीछे टर्म करा हुआ है, टेन रेस टू 4a प्लस टेन स्क्वायर a, टेन रेस टू 4a प्लस टेन स्क्वायर a इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।